नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं मुकेश वाकर और हम पढ़ रहे थे आकलन में जेकोबियन, जिसके हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ लिया। आज है पार्ट थर्ड, तो उसमें देखो आपके कुछ क्वेश्चंस जैसे आपके पास में दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। दैट मीन्स एक्स अपॉन ए प्लस के प्लस वाई अपॉन बी प्लस के प्लस जेड अपॉन सी प्लस के इक्वल टू वन, देन सो देट ये, तो हमें इसका यूज करना है और ये प्राप्त करना है, यानी कि प्रूव देट करना है कि इसका जो अवकलन है आंशिक अवकलन वो ये होता है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन है एक्स अपॉन ए प्लस के प्लस वाई अपॉन बी प्लस के प्लस जेड अपॉन सी प्लस के इक्वल टू वन। तो या तो हम इन सारे मानों को बराबर की उस तरफ ले जाए या इस वन को इधर ले आए ताकि इक्वल टू जीरो हो जाए और हमारे पास में एक समीकरण प्राप्त हो जाए। ऐसा ही करेंगे। तो हमने क्या किया, इन सारे मानों को बराबर की उस तरफ ले गए, तो यहां पे क्या बच गया, जीरो बच गया। तो मैं क्या लिखूंगा, वन माइनस एक्स अपॉन ए प्लस के माइनस वाई अपॉन बी प्लस के माइनस जेड अपॉन सी प्लस के इक्वल टू जीरो। ले रहता अब उसके बाद में कि भाई ये तो हमारे पास में समीकरण प्राप्त हो गई, लेकिन बटा में है संख्या, कुछ कुछ बटा में नहीं है, जैसे कि एक है वो इसके नीचे बटा में एक है, तो इन नीचे वालों का यदि हम खात्मा कर दें, सफाया कर दें, इक्वल टू जीरो कर दें, तो हमारे पास में एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी जिसमें कोई बटा बटा नहीं होगा, है ना। और वो कैसे करेंगे, वो ये से करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम लिया चारों का, तो इसमें क्या जाएगा, ए प्लस के बी प्लस के एंड सी प्लस के आ गया तीनों का, चारों का एलसीएम। अब उसके बाद में क्या करेंगे, वन का इसमें भाग दिया तो भाग कितनी बार जाएगा, जो संख्या है उसमें उतनी बार भाग जाता है एक का, तो इसको फिर एक से गुणा करेंगे, तो मैं लिखूंगा ए प्लस के बी प्लस के एंड सी प्लस के आ गया, ये बीच माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ये लगा दिया। अब देखो ए प्लस के का भाग ए प्लस के में, ए प्लस के से ए प्लस के कट गया तो क्या आ गया, माइनस का एक्स और बी प्लस के एंड सी प्लस के। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा कोष्ट बना दियो, इससे क्या है कि आपके कोई माइनस प्लस की कोई मिस्टेक नहीं हो। फिर देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब है इसमें बी प्लस के का भाग देंगे तो बी प्लस के से बी प्लस के कैंसिल, बाहर आ गया वाई, वाई कोष्टक क्या बच गया, ए प्लस के एंड सी प्लस के, कोष्टक में बंद कर दो इसको भी, माइनस यहां पे जेड आ गया, जेड को रखा कोष्टक, क्या आ जाएगा, सी प्लस के से सी प्लस के कैंसिल, तो ए प्लस के और बी प्लस के, इसको भी कोष्टक में बंद कर दो, इक्वल टू जीरो। क्लियर रहता। अब देखो इसके बटा के नीचे जो भी संख्या है उसको उधर ले जाएंगे, जीरो से गुणा करेंगे या वज्र गुणा, मान लो आप वज्र गुणा करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो नीचे वाला है वो तो जीरो हो जाएगा उधर जाने के बाद में, और हमारे पास में क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ये वाली डायरेक्ट हो जाएगी, ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के माइनस एक्स बी प्लस के सी प्लस के माइनस वाई ए प्लस के सी प्लस के माइनस जेड ए प्लस के बी प्लस के और कोष्टक बंद इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हमारे पास में प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा करा लेते हैं, एक एक को गुणा कराएंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों का गुणा करो, एक को इस बी से गुणा, बी को पहले अंदर दोनों से गुणा करा लो, तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी के, फिर के से गुणा करेंगे तो ए के प्लस के स्क्वायर, बाहर क्या बच गया, सी प्लस के, माइनस का चिन्ह लगाया, एक्स को एक बार गुणा करा देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स बी प्लस एक्स के कोष्टक सी प्लस के।
ठीक है, एक्स को इस बी से गुणा कराया पहले तो एक्स भी आ गया, प्लस के को इस एक्स से गुणा कराया तो के एक्स आ गया, और सी प्लस के है वो पोस्ट के बाहर है ही। अब आगे देखो माइनस का चिन्ह गया, इस y को अंदर गुणा कराए तो क्या आ जाएगा, वाई ए प्लस वाई के कोष्टक सी प्लस के माइनस, फिर जेड को अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपके जेड ए प्लस जेड के कोष्टक बी प्लस के इक्वल टू जीरो। हो गया, ये समीकरण प्राप्त हो गई हमें ये। अब देखो अब इनको गुणा कराएंगे इस पूरे कोष्टक से, तो पहले सी से गुणा कराते हैं तो मैं लिखूंगा ए बी सी प्लस बी के सी प्लस ए के सी प्लस के स्क्वायर सी प्लस। अब कैसे गुणा कराएंगे, कैसे गुणा कराएंगे तो हम क्या लिखूंगा ए बी के प्लस बी के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर प्लस के क्यूब। हो गया, ये सारों से गुणा करा दिया, पहले सी से गुणा कराया फिर के से गुणा करा दिया। अब देखो माइनस का चिन्ह लगा दो, इसको कोष्टक के अंदर लिखो, सी को पहले गुणा कराया तो एक्स बी सी प्लस एक्स के सी प्लस के को अंदर गुणा कराऊंगा तो एक्स बी के प्लस एक्स के स्क्वायर। हो गया गुणा, कोष्टक को कर दो बंद, माइनस का चिन्ह आ गया, सी को इससे गुणा कराया तो वाई एस सी प्लस वाई के सी, फिर कैसे गुणा कराएंगे, कैसे गुणा कराया तो प्लस वाई ए के, वाई ए के हो गया, फिर अंदर हो जाएगा वाई के स्क्वायर, कोष्टक बंद। उसके बाद में इसमें कराएंगे तो माइनस बी को पहले गुणा कराया तो जेड ए बी प्लस जेड के बी, फिर कैसे गुणा कराएंगे प्लस जेड ए के प्लस जेड के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास में हल हुआ है। आगे देखो अब क्या करेंगे कि इस कोष्ट के बाहर जो माइनस आया हुआ है उस माइनस को अंदर गुणा करा देते हैं तो प्लस माइनस की जो भी सिचुएशन जो भी स्थिति हमें प्राप्त होती है वो हो जाएगी। तो मैंने लिखा ए बी सी प्लस बी के सी प्लस ए के सी प्लस के स्क्वायर सी प्लस ए बी के प्लस बी के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर प्लस के क्यूब माइनस एक्स बी सी माइनस एक्स के सी माइनस एक्स बी के माइनस एक्स के स्क्वायर माइनस वाई एस सी माइनस वाई एस सी माइनस का वाई एस सी, फिर उसके बाद में माइनस वाई के सी माइनस वाई ए के माइनस वाई के स्क्वायर माइनस जेड ए बी माइनस जेड के बी माइनस जेड ए के माइनस जेड जेड के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। अब देखो ये इस तरह की स्थिति आ गई तो इसमें हम एक चीज देखते हैं कि कईयों में के स्क्वायर है, कईयों में के क्यूब है, कईयों में के है, तो उससे हमारे पास में एक समीकरण प्राप्त हो रही है। और यदि हम के क्यूब को के स्क्वायर को के को कॉमन लेके फिर आगे हल करते हैं तो हमारे पास में लेमडा म्यू और न्यू से हमारे पास में एक नई समीकरण प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, यहां से सबसे पहले मैंने लिखा के क्यूब, इसके गुणा में कोई और भी है क्या संख्या, के क्यूब का कोई गुणांक है क्या और नहीं है ना, कोई दूसरा एक ही है, तो इसको लिखा मैंने के क्यूब प्लस फिर के स्क्वायर, के स्क्वायर के गुणा में है काफी सारे हैं तो के स्क्वायर को बाहर लिख दो और इसके गुणा में कोष्ट के अंदर जो भी इसके गुणांक है उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये यहां पे आ गया सी, फिर प्लस बी प्लस
ए, फिर आगे माइनस का एक्स, फिर आगे आगे नहीं है, ये रहा माइनस का वाई, फिर आगे माइनस का जेड, बस इतना ही आ गया। ये के स्क्वायर का गुणांक जो भी था प्लस, फिर लेंगे के, के को लिया तो के ये यहाँ पे रहा, इसको क्या लिखूंगा मैं बी सी यहाँ पे प्लस एस सी, फिर आगे प्लस ए बी के, बस इतना ही यहाँ पे। फिर आगे देखो ये रहा माइनस एक्स सी माइनस एक्स बी, आगे माइनस वाई सी, फिर आगे माइनस वाई ए, फिर आगे ये रहा माइनस जेड बी माइनस जेड ए, बस इतना ही है। क्या आ गया, के स्क्वायर का गुणांक आ गया। अब क्या बचा, अब जो भी मान बचता है अचर के तुल्य होगा वो, अरे हम जो समीकरण ऊपर दी गई थी उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो वो अचर के तुल्य होगा। अब जो भी मान है उसको हम एक क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा ए बी सी, इसमें के है के है के है, के स्क्वायर है के क्यूब है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो माइनस एक्स बी सी, फिर आगे इसमें के है के स्क्वायर है, इसमें माइनस वाई एस सी, फिर आगे इसमें क्या आ गया, इसमें भी के के स्क्वायर, इसमें माइनस कुछ भी नहीं है, जेड ए बी इसमें भी आगे हैं, तो ये हमारे पास में आ गया इक्वल टू जीरो। अब यदि आप एक बार कंफर्मेशन करना चाहो कि हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है तो इसमें कोई अंक छूटे नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनकी एक बार जोड़ लो, इनको एक गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस है टोटली। अब ऊपर वाले में देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस, टोटली बीस है, बीस टू बीस कंप्लीट आ गए ना अपने पास में। अब देखो इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास में देखो, एक तो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इफ लैम्डा म्यू एंड न्यू के अकॉर्डिंग रूट बजो भी जो हल करना था वो लैम्डा म्यू और न्यू को लेके हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो अब देखो यहाँ पे ए बी सी माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड तीनों सारे मान अलग अलग है, एक एक सिंगल सिंगल मान है, तो यहाँ पे हम समीकरण बनाते हैं लैम्डा प्लस म्यू प्लस न्यू, तीनों सिंगल सिंगल ले लिए। एक देखो इसमें दो दो मान है, दो दो मान डबल डबल, तो इसमें दोनों को साथ साथ ले लो, लेमडा म्यू प्लस म्यू न्यू प्लस न्यू लेमडा इक्वल। थर्ड वाले में अब इसमें ध्यान रखना एक बात का कि ये जो यहाँ पे मान प्राप्त हुआ ना, वो हमने क्या किया था उसमें अचर वाले मान को बराबर इक्वल टू वन था ना उसमें समीकरण के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी यहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ है उसको इसके बराबर में लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो यहां से लेमडा म्यू एंड न्यू तीन तीन का गुणा है, तो तीनों का गुणा लिख दिया यहाँ पे। अब देखो तीनों अलग अलग प्लस में है, तो यहाँ पे जो भी संख्या है उसको लिखते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का जेड। अब दो दो वाली संख्या है उसको क्या लिखूंगा मैं बी सी प्लस एस सी प्लस ए बी, यहां से मैं माइनस कॉमन एक्स कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बच जाएगा बी प्लस सी, आगे वाले माइनस का वाई कॉमन ले लिया तो बच जाएगा ए प्लस सी, आगे वाले में जेड कॉमन ले लिया तो बच जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो जब देखो बराबर के इक्वल अचर था तो मैंने इनको बराबर के उस तरफ भेज दिया, बराबर के उस तरफ भेजने के बाद में मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या हो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे जो भी माइनस में संख्या थी वो हो गई प्लस में और जो प्लस में है वो हो जाएगी माइनस में। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि एक्स बी सी प्लस वाई एस सी प्लस जेड ए बी माइनस का ए बी सी, ये इसके बराबर में जाने के बाद में इस स्थिति में आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, अब हमें चाहिए फंक्शन, फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों को कैसे भी करके एक तरफ कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो भी संख्या है उनको इस तरफ ले आया, तो एफ वन एक फंक्शन मान लो कि एफ वन फलन है जिसमें लेमडा प्लस म्यू प्लस न्यू, ये तीनों तो आ गया प्लस में,
और यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का ए, माइनस का बी, माइनस का सी, प्लस का एक्स, प्लस वाई, प्लस जेड। उसके बाद में फलन टू क्या हो जाएगा, लेमडा म्यू प्लस म्यू न्यू प्लस न्यू लेमडा। फिर इस वाला माइनस में हो जाएगा माइनस का बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी, ये हो जाएगा प्लस में एक्स बी प्लस सी प्लस वाई ए प्लस सी प्लस जेड ए प्लस बी। क्लियर रहता। उसके बाद में फंक्शन ये थर्ड, ये क्या आ जाएगा, लेमडा म्यू एंड न्यू माइनस एक्स बी सी माइनस वाई ए सी माइनस जेड ए बी प्लस का ए बी सी, हो गया प्राप्त। क्लियर रहता। उसके बाद में देखो आप सूत्र पे आ जाते हैं, हम क्वेश्चन यही था ना, तो इसका सूत्र क्या होगा, माइनस का वन की पावर कितनी होगी भाई, तीन होगी, क्योंकि तीन फलन है, तीन है तो घात होगी तीन। उसके बाद में डेल एफ एन अपॉन डेल लेमडा, नीचे वाले को ऊपर लिखा जाता है ना लेमडा, फिर डेल एफ एन अपॉन डेल म्यू डेल एफ एन अपॉन डेल न्यू, इसमें डेल एफ टू अपॉन डेल लेमडा डेल एफ टू अपॉन डेल म्यू डेल एफ टू अपॉन डेल न्यू। फिर तीसरे वाले में क्या करेंगे, सेम ऐसा करेंगे, डेल एफ थ्री अपॉन डेल लेमडा डेल एफ थ्री अपॉन डेल म्यू डेल एफ थ्री अपॉन डेल न्यू, ओके सानिक बन गई एक। फिर क्या लिखते हैं, भाग डेल एफ वन अपॉन, ऊपर वालों को लिखेंगे डेल एक्स डेल एफ वन अपॉन डेल वाई डेल एफ वन अपॉन डेल जेड, सेकेंड वाले में डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स डेल एफ टू अपॉन डेल वाई डेल एफ टू अपॉन डेल जेड, थर्ड वाले में डेल एफ थ्री अपॉन डेल एक्स डेल एफ थ्री अपॉन डेल वाई डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड, हो गए समीकरण दो प्राप्त। दोनों सारणिक कंप्लीट है, सूत्र हमारे पास में पड़ा है। अब हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को लेना है और इसके सापेक्ष अवकलन करके सभी के मान प्राप्त करने हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं इसको। तो सबसे पहले हमें चाहिए डेल एफ वन, इधर से कर लेता हूं ताकि सारा एक साथ आ जाए, डेल एफ वन अपॉन डेल लेमडा, तो डेल एफ वन अपॉन लेमडा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें है जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं तो उसी का अवकलन किया जाता है, और जो बाकी संख्या होती है उनको अचर मान लिया जाता है, और अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं केवल उसी के सापेक्ष अवकलन होगा, और बाकी के जो मान होते हैं उनको उसके सापेक्ष नहीं होने पर हम उनका अवकलन शून्य मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ वन है तो यहां से आ जाएगा वन, बाकी के यू न्यू ए बी सी एक्स वाई जेड सारे अलग अलग मान है, अलग अलग मान है तो उनका अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। यदि यहाँ पे लेमडा साथ में गुणा में आता है ना कोई भी संख्या के तो हम उसका अवकलन करते, और यहाँ पे तो केवल लेमडा एक ही है और बाकी के अचर हो गए, तो लेमडा का होता है वन, लेमडा का लेमडा के सापेक्ष वन होता ही है। फिर आगे हो जाएगा लेमडा एफ वन अपॉन लेमडा म्यू, म्यू है तो इसमें भी यही है वन, लेमडा डेल एफ वन अपॉन न्यू, न्यू के सापेक्ष करेंगे तो भी यहाँ पे एक ही है, फिर टू अपॉन लेमडा। अब इसमें देखो दो दो संख्याएं हैं, यहाँ पे बस यही है लेमडा और म्यू दो ही साथ में, और ये रहा दो, तो इसमें देखना आप यू डॉट वी से होगा, ये लेमडा और म्यू यू डॉट वी से, यू डॉट वी से क्या था कि एक को छोड़ो दूसरे का अवकलन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा और म्यू, पहले लेमडा को छोड़ा और म्यू का हो गया जीरो, फिर क्या करेंगे म्यू को छोड़ेंगे और लेमडा का करेंगे तो हो जाएगा वन, तो यहां से बच गया म्यू और इसका हो जाएगा जीरो, यहां से भी वैसे करेंगे कि न्यू को छोड़ा और लेमडा का हो जाएगा वन, तो प्लस का न्यू और उसमें फिर लेमडा को छोड़ेंगे न्यू का करेंगे तो उसका हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया म्यू प्लस न्यू। फिर डेल एफ टू अपॉन डेल म्यू इसमें करेंगे तो म्यू इन दोनों में है तो क्या प्राप्त हो जाएगा लेमडा प्लस न्यू,
उसके बाद में एफ टू अपॉन डेल न्यू, इसमें कौन कौन से वाले में, इसमें इसमें है तो म्यू प्लस लेमडा, आगे वाले में डेल एफ थ्री अपॉन डेल लेमडा, इसमें देखो आप ये वाला एक ही है, बाकी सारे अचर मान ली जाएंगे, लेमडा म्यू एंड न्यू तीनों में गुणा है, तीनों एक साथ गुणा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, लेमडा के सापेक्ष कर रहे हैं तो म्यू और न्यू को रहने दिया, और बाद में हम आउटिंग करेंगे तो उनका जीरो हो जाएगा, तो यहां से इसका आउटिंग क्या होगा, म्यू और न्यू, फिर डेल एफ थ्री अपॉन डेल म्यू के सापेक्ष करेंगे, तो म्यू के सापेक्ष करेंगे तो यहां से हमारे पास में लेमडा न्यू प्राप्त हो जाएगा, फिर आगे डेल एफ थ्री अपॉन डेल न्यू करेंगे तो यहां से हमारे पास में लेमडा म्यू प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये अवकलन हो गए इस पहले वाली सारणी के। अब उसके बाद में लेते हैं हम दूसरी वाली सारणी, जिसमें हम लिखेंगे डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स, तो सबसे पहले उस ऊपर वाले समीकरण को देखते हैं, ये वाली है, इसमें देखो इन सारे मानों को अचर मान लेंगे और किसके सापेक्ष होगा, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड में ये वाला ये एक्स और वाई और जेड को भी हम अचर ही मानते हैं, तो क्या हो जाएगा ये वन डेल एफ वन अपॉन डेल वाई, इसका भी वन हो जाएगा, डेल एफ वन अपॉन डेल जेड इक्वल टू इसका भी वन हो जाएगा, फिर आगे डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स, इसमें आप देखना एफ टू है उसका एक्स के सापेक्ष करना, तो यहां पे देखो ये जीरो हो जाएगा, यहां से क्या बच गया एक्स के सापेक्ष करें तो बच जाएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी बच गया, यहां पे से फिर डेल एफ टू अपॉन डेल वाई करेंगे तो वाई को रहने दिया और इसका करेंगे तो जीरो हो जाएगा और यहां से प्राप्त हो गया ए प्लस सी, फिर डेल एफ टू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा ए प्लस बी, ठीक है। अब लास्ट वाला और कर लेते हैं, तो डेल एफ थ्री अपॉन डेल एक्स, एफ थ्री का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहां से क्या प्राप्त हुआ, और किसी में है क्या, एक्स इसी में है, माइनस का बी सी, डेल एफ थ्री अपॉन डेल वाई, इसमें इसमें यहां पे करेंगे तो माइनस का एस सी, डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड करेंगे तो डेल जेड किया तो माइनस का ए बी, बस ऊपर लो इसको। अब है उस समीकरण में रख दें, इस सूत्र में मान रख देते हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस ए की पावर तीन माइनस लिख दूं और इनको उतार देते हैं, क्या लिख दूंगा मैं, वन 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 म्यू प्लस न्यू लेमडा प्लस न्यू और म्यू प्लस लेमडा, थर्ड वाला म्यू न्यू लेमडा न्यू लेमडा म्यू, ठीक है, भाग वन 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 बी प्लस सी माइनस के बी सी, ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस का एस सी, ए प्लस बी और ये हो गया माइनस का ए बी, इस तरह से हमारे पास में ये सारणी के प्राप्त हो गई। अब यदि आप करना चाहो तो आप इनकी सीधे मान भी लिख सकते हो, डायरेक्ट समीकरण का जो ये हमारे पास में सारणी दी गई है उसका मान निकाल के, और वरना हम लोग तो करते हैं ही। अब इसमें देखो आप एक चीज कि सबसे पहले जब सारणी दी जाती है तो रूल यही होता है कि संक्रिया लगा के उस समीकरण को हल करने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि उससे हमारे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाती है, और वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे, तो उससे हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई सारणी आए तो उसमें संक्रिया लगानी है ताकि हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करने में समय कम लगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इक्वेशन एक आप देख रहे हो, और संक्रिया कैसे लगाते हैं, फर्स्ट बात यही होती है कि अधिक से अधिक संख्या में जीरो करने का प्रयास करो,
कि ऐसी कुछ संक्रियाएं या ऐसी कौन सी संक्रिया लगाएं कि जिसमें जो क्वेश्चन में जो भी मान दिए गए हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में हम जीरो कर सकें। तो यहाँ पे इस सारणी को देखें हम, तो हमें दिख रहा है कि जो यहाँ पे ये कॉलम है और ये कॉलम है, इस कॉलम में से इस कॉलम को घटाएं तो 1-1 जीरो हो जाएगा, और सेकेंड और थर्ड में से हम एक दूसरे को घटाए तो भी मान जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे संक्रिया लगा रहा हूं C1 माइनस C2, यानी कि इस कॉलम में से इस कॉलम को घटाना है, और सेकंड संक्रिया में लगा दूं C2 टेंस टू C2 माइनस C3, इसमें इस सेकंड वाले कॉलम को माइनस थर्ड वाला कॉलम करना है, और इसमें भी यही हो जाएगा सेम। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 1, 1 और 1 है, तीनों में 1, 1, 1 है, तो यही संक्रिया लगाएंगे तो 1-1 एक यहां पे जीरो प्राप्त हो जाएगा, एक 1-1 जीरो यहां पे प्राप्त हो जाएगा। उससे क्या होगा कि थर्ड वाला जो कॉलम है केवल उसमें एक बचा है, और उससे ये सारणी के डायरेक्टली सोल्व हो जाएगी। तो देखो यहां पे है माइनस, तो माइनस को रहने दिया, C1 माइनस C2 इसमें से इसको निकाला तो बच गए यहां पे जीरो, फिर इसमें से न्यू प्लस न्यू माइनस C2 ये वाला मान तो माइनस लेमडा माइनस न्यू, फिर थर्ड वाले में म्यू और न्यू माइनस लेमडा और न्यू, सेकंड वाले कॉलम में भी यही संक्रिया लगानी है तो ये हो जाएगा 1-1 जीरो लेमडा प्लस न्यू माइनस का म्यू माइनस का लेमडा, और ये हो जाएगा लेमडा न्यू माइनस लेमडा म्यू, और थर्ड वाला जो कॉलम है उसको है जैसे के जैसे रहने दो क्योंकि उसमें हमने कोई संक्रिया लगाई नहीं है, ये प्राप्त हो गया। अब उसके बाद में इसमें भी लगा देते हैं, इसमें लगाएंगे तो ये हो गया जीरो, और ये यहाँ पे बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के बी सी प्लस के ए सी, आगे वाले में हो जाएगा जीरो ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस का ए सी प्लस ए बी, और 1 ए प्लस बी और माइनस का ए बी, ठीक है। अब देखो इस न्यू से ये न्यू कट गया, और इस लेमडा से ये लेमडा कट गया, इसमें भी इस सी से ये सी कट गया, और इस ए से ये ए कट गया, तो हमारे पास में सारणी प्राप्त हुई 0 म्यू माइनस लेमडा। अब यहां से न्यू कॉमन आ जाएगा तो क्या बचाएगा, म्यू माइनस लेमडा, यहां से 0 न्यू माइनस म्यू, और यहां से लेमडा कॉमन आ जाएगा तो न्यू माइनस म्यू, और ये हो जाएगा 1 म्यू प्लस लेमडा और लेमडा म्यू, ठीक है। उसके बाद में इसमें भाग 0 बी माइनस ए, यहां से कॉमन आ जाएगा सी, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको ए माइनस बी, यहां से 0 सी माइनस बी और कॉमन आ जाएगा ए, तो बी माइनस सी 1 ए प्लस बी माइनस का ए बी, ठीक है। अब देखो यहां से हम कॉमन लें, इस कॉलम में से कॉमन क्या आ रहा है, म्यू माइनस लेमडा म्यू माइनस लेमडा और म्यू माइनस लेमडा, यानी कि 0 के यहाँ पे गुणा में मैं कोई सी भी संख्या लिखूं तो उसका मान तो वैसे भी 0 ही प्राप्त होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे म्यू माइनस लेमडा से इसको गुणा करा दिया, तो म्यू माइनस लेमडा से गुणा कराने का मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ से म्यू माइनस लेमडा कॉमन आ जाएगा, तो मैंने लिखा माइनस म्यू माइनस लेमडा, और म्यू माइनस लेमडा ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि देखो ये जब क्वेश्चन हम करते हैं तो इसमें हमारे पास में सिद्ध करना था ऊपर ये वाला कि लेमडा माइनस म्यू म्यू माइनस न्यू और न्यू माइनस लेमडा, तो म्यू माइनस लेमडा है ऊपर वाले में भी, ये रहा म्यू माइनस सॉरी देखो एक मिनट लेमडा माइनस म्यू है, और हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ यहां पे म्यू माइनस लेमडा है, तो आप एक बार
इसको देखो, हमें चाहिए लेमडा माइनस म्यू, तो हम क्या करेंगे इस माइनस को अंदर गुणा करा देते हैं, सारों के मानों में अंदर गुणा करा देंगे, तो अंदर गुणा कराने से क्या हो जाएगा कि एक तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्राप्त जीरो, लेमडा माइनस म्यू, और ये हो जाएगा न्यू और लेमडा माइनस म्यू, ये प्राप्त हो गया। तो यहां से हमें लेमडा माइनस म्यू को मान ले सकते हैं। उसके बाद में क्या पूछा गया है कि हमें क्या चाहिए, म्यू माइनस लेमडा माइनस म्यू आ जाएगा यहां से। फिर अब इसके अकॉर्डिंग यदि हमें इसका सारणी का मान निकालना हो तो मान तो हम कोई सा निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, ये वाला करना है, लेमडा माइनस म्यू, म्यू माइनस न्यू और न्यू माइनस लेमडा। तो म्यू माइनस न्यू हमें अब और चाहिए, म्यू माइनस न्यू, तो यहां से भी म्यू माइनस न्यू ये हो जाएगा ना, म्यू माइनस न्यू, क्यों, क्योंकि अंदर वाले को माइनस गुणा कराएंगे, माइनस से गुणा कराया तो ये हो जाएगा आपके जीरो म्यू माइनस न्यू और लेमडा म्यू माइनस न्यू, इसमें हो जाएगा ये वन माइनस का म्यू माइनस लेमडा म्यू। अब इसमें देखो, इसमें भी हमें यही करना पड़ेगा, आप माइनस से गुणा करा दोगे, माइनस से गुणा कराने से ये क्या हो जाएगा आपके, यहां से आपके डायरेक्ट लिख रहा हूं मैंने, बी माइनस से है, इस सारे को गुणा कराओगे तो यहां से हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी, इस सेकेंड वाली रो है उसको माइनस से गुणा कराएंगे तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए माइनस बी सेम सेम आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास में प्राप्त हो गया ए माइनस बी, और इसमें से सी माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो यहां पे क्या बच गया, जीरो वन एंड सी, यहां पे जीरो वन एंड ए, यहां पे बच गया वन माइनस से माइनस बी और माइनस का ए बी, ये बच गया। अब देखो यहां से हमारे पास कॉमन आ गया लेमडा माइनस म्यू, सेकंड वाले में म्यू माइनस न्यू, अब देखो इसमें माइनस का वन है और लेमडा और यहां पे बच जाएगा वन, तो लेमडा माइनस न्यू और हमें क्या चाहिए, न्यू माइनस लेमडा, अरे ये चाहिए कि जैसे इसको माइनस से गुणा कराऊंगा, यहां पे बच गया वन, यहां पे हो गया न्यू और यहां पे वन और यहां पे लेमडा, तो लेमडा माइनस माइनस न्यू हो जाएगा, अरे जैसे कि यहां पे देखो वन बच जाएगा, एक बार मैं इसको सीधा बता रहा हूं कि यहां पे वन बच जाएगा, कैसे कि लेमडा माइनस न्यू है हमने कॉमन ले लिया और यहां से न्यू माइनस लेमडा को कॉमन ले लिया तो यहां पे भी वन बच जाएगा, तो अब लेमडा को इस वन से गुणा कराया तो बच गया लेमडा माइनस और यहां से बच जाएगा न्यू, हमें क्या चाहिए था, लेमडा माइनस न्यू चाहिए था, यहां पे था अपने एक मिनट ये वाला न्यू माइनस लेमडा, तो न्यू माइनस लेमडा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, न्यू माइनस लेमडा, तो यहां से इसको माइनस से गुणा करा दें, माइनस से गुणा करा देंगे तो क्या होगा, ये माइनस से गुणा करा देने पर ये हो जाएगा आपके न्यू माइनस लेमडा, या फिर इसको कॉमन ले लो, यहां से कॉमन लेने पर ये हो जाएगा आपके न्यू माइनस लेमडा, ये चीज लिखना मत है, यदि आप एक स्टेप और लिखना चाहो तो यहां पे आप इनको कॉमन लेके यहां पे वन वन भी लिख सकते हो, तो न्यू माइनस लेमडा भाग यहां पे बच गया ए माइनस बी, बी माइनस सी और यहां पे आ जाएगा माइनस, तो अब देखो यहां पे वन है तो वन ए माइनस सी आएगा, ए माइनस सी आएगा यहां से, और ए है और यहां पे बच गया
माइनस का सी, और हमें क्या चाहिए था सी माइनस ए, सी माइनस ए चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें सी माइनस ए। तो माइनस यहाँ पे पहले आया हुआ है कॉमन, तो माइनस का लेमडा माइनस म्यू, म्यू माइनस म्यू एंड म्यू माइनस लेमडा अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि ये जो मान हम यहां से निकाल रहे हैं, यहां से इस समीकरण से मान निकाल रहे हैं, तो उनका हल करने के तरीके अलग अलग भी हो सकते हैं। कि इस सारणी को है आप यहां से सीधा डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये इस तरीके के सूत्र लगाओगे माइनस से अंदर गुणा कैसे किया, कौन से वाले को गुणा किया। इसमें देखो तीन बार गुणा हो रहा है, एक बात का ध्यान रखना कि माइनस में जब इसमें से गुणा कराया या फिर इसमें से माइनस को कॉमन लिया तो यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस फिर से हो गया, फिर इसमें से माइनस कॉमन लिया तो फिर से ये माइनस हो जाएगा। और इसमें भी सेम रूल है कि इसमें से माइनस को कॉमन लिया फिर माइनस से गुणा कराया फिर यहां से माइनस बच जाएगा, इसलिए ये माइनस यहां पे आ रहा है। अदरवाइज एक बार यहां से माइनस ये गायब हो रहा है, प्लस में आ रही है संख्या, लेकिन फिर यहां से जब हम माइनस ले रहे हैं दोबारा तो ये वाला माइनस प्राप्त होगा हमें। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ था कि डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल लेमडा म्यू एंड न्यू इक्वल टू, हमें ये लेके आना था, यही लेके आना था। देखो ऊपर लेमडा माइनस म्यू, म्यू माइनस न्यू एंड न्यू माइनस लेमडा, तो यही है लेमडा माइनस म्यू, म्यू माइनस न्यू एंड न्यू माइनस लेमडा, ये ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस में प्राप्त होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है हल करना है। ऊपर नीचे लिख दियो आंसर प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया, अच्छे से देख लेना एक बार। और अब देखो जिस तरह कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में क्वेश्चन रूट में दिए हुए होते हैं, जैसे x बराबर है या फिर मान लो u बराबर दे दिया x 1 प्लस x की पावर माइनस एक बटा दो, या फिर यहाँ पे मान कुछ a दे दिया कि इस तरह से आपको, या फिर एक समीकरण और दे दी जैसे कि v बराबर कुछ दे दिया, w बराबर भी कुछ दे दिया, और एक समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह के जो समीकरण होती है उनको कैसे हल करना है कि आपको इनका पहले स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने से ये जो घात है देखो ये रूट में है, रूट हट जाएगा इसका, जो रूट में होती है उसका मतलब होता है घात एक बटा दो है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो दो बटा दो एक हो जाएगी, तो यहां से हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, तो इसको हम इधर भेज देंगे, यहाँ पे ये था ना गुणा में, तो ये यू के इस तरफ आ जाएगा। यहां से इस समीकरण में मान रखा, और मान रखने के बाद में हमारे पास में फलन प्राप्त हो जाएगा, और जो एफ वन फलन होता है, एफ टू फलन होता है, एफ थ्री फलन होता है, इनको सारों को मानों को एक तरफ कर लेते हैं, उसके बाद में प्राप्त होता है, फिर उनका अवकलन करना है, जिसके भी सापेक्ष में क्वेश्चन करना है, जो पूछा गया है उसके सापेक्ष अवकलन करना है, और अवकलन करने के बाद में आपके उस सूत्र में मान रखना है, कौन से वाला कि माइनस वन की पावर एन, एन में है जितने फलन दिए गए हैं उनकी घात हो जाएगी वो, और उसके बाद में आपको ये सारणी हल करनी है। और इस तरह से आपके ये जेकोबियन का पार्ट थर्ड था, जिसमें लगभग अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो बाकी ये एक दो क्वेश्चन रहे हैं, तो इनको अच्छे से मिलाना और तैयारी करना। अब है कल आपके एक नए टॉपिक शुरू करेंगे, तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, गुड बाय।